नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी परफेक्ट सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड में जो प्लीज वेट का इरादा आ रहा है उसको हम कैसे दूर करेंगे, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि हमारे कुछ वीएलई भाई सुबह से लेकर शाम तक बड़ी आसानी से ही श्रम कार्ड बना रहे होते हैं और आपका प्लीज वेट पर ही अटका रहता है। आप दिन भर में कम एक से दो ही श्रम कार्ड बना पा रहे हैं, तो ऐसे में आपका पूरा दिन खराब जा रहा है दोस्तों। इसलिए मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह कैसे दूर होगा। मेरे वीएलई भाई काफ़ी परेशान हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि हम प्लीज वेट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल लेंगे, यहाँ और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर किस प्रकार से वह परेशानी आता है और हम उसको कैसे दूर करेंगे। यहाँ पर मैंने ओटीपी सेंड कर दिया है और जैसे ही ओटीपी आएगा मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा आगे बढ़ के कैसे हमको काम करना है दोस्तों इसमें। थोड़ा सा इस पर अभी लेट हो रहा है ओटीपी आने में। जैसे ही ओटीपी आता है हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी सारी वीएलई भाइयों ने यहाँ पर दिखाया है कि सर हमको यहाँ पर जैसे ही हम आधार नंबर डालते हैं, कैप्चर फिंगर करते हैं, उसके बाद जब सबमिट करते हैं तो यहाँ पर प्लीज वेट का मैसेज रहता है, रेड सिंबल, वो हटता नहीं है, आप पेज आगे बढ़ता नहीं है। तो हम आज उसी के सल्यूशन देखेंगे यहाँ पर कैसे हम उसको आगे बढ़ेंगे, पेज हमारा आगे बढ़ेगा उसको। दोस्तों, हमारा यहाँ पर आ गया है ओटीपी, चलिए हम उसको फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना ओटीपी डाल लेंगे और आगे बढ़ते हैं पेज की ओर। ये हमारा ओटीपी है और ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर हम यहीं पर मेन इसका प्रॉब्लम आता है। हम जैसे ही आधार नंबर डालते हैं तो उसके बाद देखिए, मैं किसी बंदे का यहाँ पर आधार नंबर डाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये कैप्चर फिंगरप्रिंट का, यहाँ पर हम कैप्चर फिंगरप्रिंट करेंगे तो यही दिक्कत होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, प्लीज वेट जला, उसके बाद बुझा, उसके बाद ये जल गया लाइट और मैंने रख दिया अपना फिंगर। यहाँ पर आपको सुनाई भी दिया होगा। अब देखिए, ऊपर में सक्सेसफुल कैप्चर पीआईडी का मैसेज आया, मैं इसको ओके करूँगा, उसके बाद यहाँ सबमिट करूँगा। अब यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है दोस्तों आपके साथ कि आपका पेज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि ये पेज कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम तीन गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली गलती ये होती है कि हम अगर जो 16 से 59 वर्ष के बीच की जो आयु है इसको अगर हम ई श्रम कार्ड बनाते वक्त मेंटेन नहीं करेंगे तो ये पेज आगे नहीं बढ़ेगा। अगर किसी भी बंदे का 16 से कम उम्र है तो भी ये पेज आगे नहीं बढ़ेगा। अगर 59 वर्ष से ज़्यादा है तो भी यह पेज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम किसी भी बंदे का फिंगर लेते हैं जो 16 से 59 वर्ष के बीच का आयु का रखता है यहाँ पर, अगर उसका फिंगर मैच नहीं करता है, दोस्तों आपको बता दूं, अगर उसका फिंगर मैच नहीं करता है इस आधार डेटाबेस के साथ, तब भी ये प्रॉब्लम सेम ही रहेगा, यह प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा, प्लीज वेट पर ही अटका रहेगा चाहे आप कुछ भी कर लें। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने उसका पांचों उंगली 10 उंगली ट्राई कर लिया,
फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों, आप कभी कभी देखते होंगे जब आप पैसा भी निकालते होंगे डिजी पे से या और किसी माध्यम से, तो कभी कभी कुछ ग्राहक का जो फिंगर है उस टाइम नहीं लेता है, कभी साफ़ करने से और कपड़े में पोंछने से, तो कहीं जाके उसका फिंगर मैच करता है। तो किसी न किसी कारण से अगर उसका फिंगर यहाँ पर मैच नहीं किया है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, या फ्लीज वेट वाला जो समस्या है वह नहीं हटेगा दोस्तों। अब तीसरी समस्या यहाँ पर कौन सा आता है? तीसरी समस्या ये आता है कि हमारा सारा सेटिंग अच्छे से अगर हुआ है और हमने फिंगर भी सही से लगाया है, हमारा उम्र भी सही है और पेज आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपना जो मॉर्फो की सेटिंग या मंत्रा की सेटिंग है उसको अच्छे से कर लेंगे, जांच लेंगे कि की चेन सक्सेसफुली मैसेज आया है कि नहीं आया है, जब हम सिस्टम चालू किए हैं तो जब हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस की लाइट जली है तो सक्सेसफुल का मैसेज आया है कि नहीं आया है। अगर आ गया है और सारी चीज़ होने के बावजूद भी अगर ये प्लीज वेट नहीं हटता है, तो आप इसका सीधी सी सल्यूशन मान लें दोस्तों कि यह सर्वर का है और कुछ देर रहने के बाद ऑटोमेटिक ही पेज आगे बढ़ जाएगा, और अगर सर्वर ठीक नहीं हुआ है तो कुछ घंटे भी रह सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि यह सर्वर का है। अगर आप मंत्रा यूज करते हैं तो इधर इस साइट पर जैसे ही आप सिस्टम चालू करेंगे तो आपको एक मैसेज छोड़ेगा कि फर्मवेयर इज रेडी, योर डिवाइस इज रेडी टू यूज करके यहाँ पर मैसेज आता है, और जब आप मोर्फो लगाएंगे तो मोर्फो में यहाँ बीच में ही ऐसे आ जाता है सक्सेसफुली करके की चेन सक्सेसफुली का मैसेज आता है, या रजिस्टर्ड डिवाइस सक्सेसफुली रजिस्टर्ड करके आता है। तो उसके बाद ये प्लीज वेट सारी से हम अच्छे से सभी चीज़ों को मेंटेन करने के बावजूद भी अगर प्लीज वेट आए तो आपको समझ लेना है यह सर्वर का है। पहला चीज़ मैंने क्या बताया दोस्तों? पहला चीज़ मैंने सबसे आपको बताया कि हमको उम्र मेंटेन करना है यहाँ पर। दूसरा चीज़ मैंने बताया कि आपको फिंगर देखना है, अगर आपका फिंगर मैच नहीं कर रहा है तब भी आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरी चीज़ें हैं कि अगर आपका जो डिवाइस यहाँ पर अच्छे से कनेक्ट है, आपने फिंगर भी ले लिया है, उसके बावजूद यहाँ प्लीज वेट आ रहा है, तो प्लीज़ वेट आ रहा है तो इसका मतलब आप जान जाइए कि ये बिल्कुल सर्वर का है। अगर आपका सेटिंग यहाँ पर अच्छे से नहीं हुआ रहता तो आपका ये बायोमेट्रिक डिवाइस की लाइट नहीं जलती और कैप्चर भी नहीं होता। कैप्चर हो गया है, लाइट जल चुका है, उसके बावजूद ये प्लीज़ वेट नहीं हट रहा है, तब आपके पास सिर्फ दो ही कारण बचते हैं। एक व्यक्ति का उम्र मेंटेन नहीं किया आपने, या तो फिर उसका जो फिंगर है वो मैच नहीं किया है। सीधा सा फंडा है दोस्तों, आपको समझ जाना है। इसके सिवा इसका और कोई दूसरा इसमें इरर नहीं है दोस्तों। मैं उन सभी भाइयों को बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से बना सकते हैं। मेरे कुछ वेली भाई बहुत परेशान थे क्योंकि कुछ दिन भर बढ़िया धड़ल्ले से अपना कार्ड बना रहे हैं, लेकिन कुछ भाई मेरे प्लीज वेट पर ही अटके रह जाते हैं, क्योंकि एक आध बंदा उनको ऐसा मिल जाता है जिनका फिंगर मैच नहीं करता और वह फंसे रहते हैं ये सोचकर कि ये सर्वर का होगा या हमारे किसी सेटिंग का होगा ऐसा करके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।